हो गए 45। चलो ओ अब बातें मत करना जा रहे। आज हम हेडिंग डालेंगे बाइनोमियल थ्योरम, इसके करेंगे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का मतलब, फाइंड टेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² + 1/x की पावर 12 में एक्सपेंड करना स्टार्ट करिए, ठीक है। इसमें कौन सी टर्म निकालनी है, टेंथ टर्म निकालनी है इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में कैसे करना है। टेंथ टर्म को लिख सकते हैं t10 को t9+1, टोटल पावर कितनी है 12, तो 12c9, कल फॉर्मूला बताया था ना, tr+1 का फॉर्मूला साइड में लिख लेना जिसको नहीं पता, ncr x^n-r और a^r। अगर x प्लस ए की पावर n है तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। चलिए देखेंगे 12c9 आ गया, सॉरी। इसके बाद आपका आएगा x की पावर 12-9 और 1/x^9, 12c9 ऐसी 2x² / 3 और 1/x^9। 12c9 की वैल्यू हमने सॉल्व करना सिखाया था, 12c9 बराबर होता है 12c3 के, 9 में क्या प्लस करूँ कि 12 बन जाए 3, तो 12c3 के बराबर। 12c3 सॉल्व करना सबको आता है, 12/3, 11/2 और 10/1। ये 3 2 2 220, तो इसके लिए डाल दी 220 और इसकी 2 का क्यूब होता है 8, x^6 और 1/x^9। सॉल्व करा इसको, यह आया 1760/x^3, आंसर आपका डन, ठीक है ना, ये आप लोगों का आंसर, ठीक। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले टाइप का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। किसके एक्सपेंशन में हमें एक्सपेंड करना है, 4x/5 - 5/2x की होल पावर 9। ये माइनस वाला है थोड़ा अलग, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में, ठीक है, होल पावर 9 है, ठीक है। चौथी टर्म निकालनी है, t4 बराबर होता है t3+1, यहाँ पे क्या बनेगा 9c3 -1 की पावर r भी आ गया, वो आ गया आएगा, -1 का पहले होल क्यूब 9c3 × 4x/5 की पावर 9-3 और
5.2x की पावर 3, माइनस वन का क्यूब माइनस होगा, 9 से 3 की वैल्यू सॉल्व करना सबको आता है, 9 से 3 कितना आता है सॉल्व करके, 9 से 3 सॉल्व करके आता है 9 अपॉन 3, 8 अपॉन 2 और 7, ठीक है, 2 4 जा और 3 3 जा 12, 84, ठीक है, माइनस का 84 और ये आएगा 4x अपॉन 5 की पावर 6 और लास्ट में 5.2x की पावर 5.2 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन x की पावर क्यूब। यहाँ से आप लोग कंप्लीटली जब सॉल्व करेंगे इसको आपका आंसर बनेगा कैलकुलेशन वाला कितना आएगा आंसर लगभग होगा क्या माइनस 43008 x क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर, नोट करिए फटाफट इसको, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर। हाँ डन, ये आपका आंसर, ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते, एक से लेकर दस के बीच में कौन कौन से डाउट है बताओ, एक से लेकर दस के बीच में, एक से दस के बीच में कौन सा डाउट है, फाइव, चलिए आर एस अग्रवाल में पेज नंबर 241 में, ठीक है, 241 में डाउट बताते हैं, आ जाइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, डाउट है ध्यान देंगे सबके सब, ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है, हमारे पास है 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स की होल पावर 9, हमें ऐसे टर्म बतानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ हो एक्स से, मतलब जिसमें एक्स की पावर 0, एक्स की पावर क्या रखनी है 0, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ पहले मैं टी आर प्लस 1 निकालता हूँ, है ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला हम सबको पता है, यहाँ पे माइनस 1 की पावर क्या होगा आर और एन सी आर, ठीक है, और x की पावर a माइनस एन माइनस आर होता है और a की पावर r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस वाला है इसीलिए आगे क्या है माइनस वन की पावर r, फिर माइनस है बीच में, ठीक है, चलिए दिमाग लगाते हैं ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लगाइए इसमें, ये बनेगा माइनस वन की पावर r, n की जगह कितना है 9, तो 9 सी आर इंटू पहली टर्म 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा 9 माइनस r और लास्ट में 1 अपॉन 3 एक्स की पावर r, अब ध्यान से देखेंगे ये बनेगा माइनस वन की पावर आर ऐसी 9 सी आर, ये कितना बनेगा 3 अपॉन 2 की पावर 9 माइनस आर और एक्स की पावर 2 9 जा 18, 18 माइनस 2 आर और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा नीचे 3 की पावर आर, 1 अपॉन 3 की पावर आर लिख दो से इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर आर, अच्छा प्लस का आर ऊपर जाके माइनस का आर, तो ऐसा होगा माइनस 1 की पावर आर 9 सी आर 3 अपॉन 2 की पावर 9 माइनस आर, एक्स की पावर कितना होगा ये 18 माइनस 3 आर, है ना, और नीचे 1 अपॉन 3 की पावर आर, इतना डन, इतना हमारा काम हो गया, ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला था, अब इसका यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का ये मतलब था जो एक्स की पावर है वो है 0, तो आर कितना आ गया 6, R की वैल्यू जो 6 आई चुपचाप इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, R की वैल्यू 18 माइनस 3 आर 0, R की जगह 6 रख दीजिए जी, ये फटाफट ये आपका आंसर, इतना डन जी, हाँ डन आते टेल, बाद में कट दी जाएगा क्या, चलो करवाते करवाते क्या रोक्स, चलो क्वेश्चन देखेंगे,
हम सीखेंगे मिडिल टर्म्स कैसे स्प्लिट कर निकालते हैं, पहले एक क्वेश्चन इससे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हैंड डालेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होती है हमारे पास, निकलती कैसे मिडिल टर्म, ध्यान नहीं देना नहीं, पहले मिडिल टर्म देखते हैं इस पर, इसी में आएगा, ठीक है। मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन है बाकी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें दो केस होते बेसिकली, अगर पावर हमारे पास इवन है तब अलग केस है, और पावर अगर ऑड है तो अलग केस है, ठीक है। ध्यान देना, अगर पावर आपकी इवन है, ठीक है, तब होता है मिडिल टर्म बराबर, जो मिडिल टर्म होती है वो होती है एन बाय टू प्लस वन एट टर्म, एन बाय टू प्लस वन एट टर्म, ठीक है। अगर n हमारा ऑड होता है तब मिडिल टर्म थोड़ी चेंज जाती है, ठीक है। मिडिल टर्म बराबर दो मिडिल टर्म होती है, फिर जब n ऑड होता है तो मिडिल टर्म कितनी होती है, दो। अब देखो कैसे एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, n प्लस वन अपॉन टू एट का होल क्यूब, सॉरी टू एट टर्म, एंड n प्लस थ्री अपॉन टू एट टर्म, ये हमारे पास दो मिडिल टर्म होती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, पावर इवन वाला एक एग्जाम्पल देते हैं पहले। आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कल बताया था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई बच्चा मिडिल टर्म देखना चाहे तो मिडिल टर्म कैसे, बीच वाली मिडिल टर्म होगी एक ही है, तो यही समझा रहा हूँ। अगर इवन होता है तो कितनी मिडिल टर्म होती है, एक। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑड लिया, मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मिडिल टर्म कितनी आ रही, दो। क्लियर दिख रहा आप लोगों को, बीच में कितनी टर्म आ रही, दो टर्म आ रही है। मिडिल टर्म मतलब क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है उसी को तो मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहे हैं, अगर आपका एन क्या होगा, इवन, तब एक मिडिल टर्म होगी, एन अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, दो। क्लियर, इतना हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। आगे देखेंगे, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अब इसमें बेस क्वेश्चन करते हैं पहले डिटेल में, थोड़े बहुत अच्छे खासे। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए फाइंड, 11वां क्वेश्चन आप लोगों की बुक का, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वन अपॉन टू एक्स की होल पावर 10, ठीक है। बुक का आपका 11वां क्वेश्चन है, इसके एक्सपेंशन में हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, एक चीज बताइए सबसे पहले मुझे, n की वैल्यू कितनी है, 10, 10 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन। इवन के लिए भी आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, मिडिल टर्म बराबर एन बाई टू प्लस वन एट टर्म। चलो अभी काम खत्म नहीं हुआ, देखेंगे एन की जगह 10, 10 अपॉन टू कितना होता है 5, 5 प्लस 1 6, तो आंसर होगा 6th टर्म। अब आप लोगों को निकालने क्या, 6th टर्म निकालने, 6th टर्म कैसे निकालते हैं, t6 बराबर t 5 प्लस 1, लगाओ फॉर्मूला जरा, पावर कितनी 10, तो 10 सी 5 ऊपर, और यहाँ क्या बनेगा बोलो, x की पावर 10 माइनस 5, अच्छा माइनस 1 की पावर 5 भी आएगा आगे, आगे लिखेंगे माइनस, माइनस वन की पावर 5 भी लिख देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस वन की पावर 5 आगे लिख दीजिए, फिर 10 सी 5 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 5, और लास्ट में 1 अपॉन टू एक्स की पावर लिखेंगे, हाँ 1 अपॉन टू एक्स की पावर 5, बस। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वन की पावर ऑड नंबर क्या होगा, माइनस ही होगा, माइनस आएगा, 10 से 5 की वैल्यू कितनी होती है, 252, और एक्स की पावर 5 क्या है, इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और नीचे एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो आंसर कितना माइनस 211। नीचे क्या, नीचे भी कुछ आ रहा? अच्छा ये घटेगा, कितना आ रहा है? 63/8 नोट करो, माइनस 63/8। पांच पावर कैंसिल हो गया, 5 माइनस हो गया। एक और करना है ऐसा, और का आएगा तो पता लग जाएगा। एक जरा क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन है, ये करवाते हैं 12th वाला कोएफिशिएंट वाला। करें स्टार्ट, चलिए देखेंगे। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन करना है हमें किसका, 3 + 2x^74। ध्यान देना, 3 + 2x^74 ठीक, एक्सपेंशन करना है इसका, और ऐसे टर्म्स ढूंढनी है जिनका कोफिशियंट इक्वल होता है। कोफिशियंट क्या होता है? इक्वल, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, कोफिशियंट इक्वल कैसे पता लगेगा? सब कोफिशियंट होता है आगे वाला, जो 7 वाला होता है। एक काम करेंगे सबके सब, पहले टी आर प्लस 1 जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे, कितना आएगा जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, एन सी आर मतलब एन की जगह 74, तो 74 सी आर और 3^74 माइनस आर और 2x^r आर, चलेगा ठीक है। नहीं नहीं मिडिल टर्म की जरूरत नहीं, उसने मिडिल टर्म थोड़ी बोला है, उसने बोला ऐसे टर्म जिसमें कोफिशियंट इक्वल आते हैं, क्या इक्वल चाहिए? कोफिशियंट, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, अब इसके आगे क्या करना है? अच्छा अगर आप लोग ऑप्शन में देखें, ऑप्शन क्या है जरा ध्यान देना, 7 है 8 है 11 है 12 है, 30 है 31 है, ठीक है, 37 है 38 है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ लगातार वाली टर्म दे रही उसने जान पूछ के, कंसेक्यूटिव बोला है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, 5 के बाद क्या आता है 6। ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ये तो मैं rth टर्म निकाल रहा हूं ना, कौन से टर्म है ये rth, जब rth टर्म निकाल रहा हूं तो tr plus 1 लिखा। अगर मैं अगली टर्म बोलूं rth टर्म के बाद कौन सी टर्म होगी, r plus 1th टर्म, हाँ या ना? दोबारा देखेंगे, rth टर्म के लिए मैंने लिखा tr plus 1, rth plus 1th टर्म निकालूंगा तब लिखूंगा r plus 2, सही है गलत है? जी बिल्कुल सही है। इस r plus 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? थोड़ा सा लिखने में समझने में आसानी होगी, r plus 1 plus 1 चलेगा, बात तो वही अभी भी। पॉइंट ये है समझने का, जब r यहां था और यहां r plus 1 है, दोनों में कंपेरिजन दिख रहा, क्लियर? ये बनेगा 74 c r plus 1, जहां r है वहां क्या आएगा? बस r plus 1, बस इतना फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं। 3^74 माइनस r करा था, लेकिन यहां पे कितना होगा? r plus 1। ऐसा 2x^power भी क्या होगा? r plus 1। इतना सही है, इतना कोई डाउट, इतने में कोई परेशानी? क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि दोनों के कोफिशियंट इक्वल है, दोनों के कोफिशियंट क्या है? इक्वल। अब कोफिशियंट का मतलब समझते हैं पहले, तो कोफिशियंट होता है, ये कोफिशियंट में आएगा, ये भी कोफिशियंट में आएगा और टू भी कोफिशियंट में आएगा। कोफिशियंट ये होता है, जैसे यहां पे कोफिशियंट में ये आएगा, 3 भी आएगा और 2 भी आएगा, मतलब वेरिएबल कौन है? एक्स, एक्स को छोड़ के जितना वाला पार्ट है सब कोफिशियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशियंट। तो मैं लिखूंगा ऐसा कि दोनों के कोफिशियंट को रख दीजिए बराबर, ठीक है, चलो भाई साथ साथ रखेंगे। बनेगा क्या? 74 cr, यहाँ पे क्या बनेगा? 3^74 माइनस r और 2^r बराबर किसके? यहाँ पे क्या है? 74 c r plus 1, 3^ कितना बनेगा? 74 - r - 1, यानी 73 - r बोल लो सीधा, यही तो लॉजिक है, और 2^r + 1, इतना क्लियर। अब यहां से सॉल्व करना है बस, कैसे भी करके r निकालना है, वेरिएबल कौन है? r दिख रहा है ना हर जगह, सॉल्व करके बस r निकालना है। क्या निकालना है? r। पहले इतना नोट करना चाह रहे हैं, फटाफट करो, इतना साथ साथ नोट कर लो पहले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
बाद में सुन लेना कौन है, बंद कर दे, अपनी आवाज सुनना सबसे बुरा लगता है मुझे, मैं तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है हटा दू ये नोटेड। हो गया चलो अब यहां से सॉल्व करके आर निकालेंगे। यहां से हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ऐसा 74 CR आप लोगों को कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पहले दिन सिखाया था। फैक्टोरियल 74 नीचे फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल 74 माइनस आर, 3 की पावर 74 माइनस आर है। अभी इसको मैं छेड़ो, इसको थोड़ी देर में करेंगे परेशान। 2 की पावर आर दिख ही रहा है हम लोगों को। 74 CR को फैक्टोरियल 74 नीचे फैक्टोरियल आर प्लस 1 और फैक्टोरियल 74 माइनस आर प्लस 1 यानी माइनस आर माइनस 1 यही होगा जी हाँ। इंटू 3 की पावर क्या है 73 माइनस आर और 2 की पावर आर प्लस 1। अब ध्यान से सुनना है ना, फैक्टोरियल 74 कैंसिल। अच्छा मैंने उस दिन भी समझाया था जो नंबर बड़ा होता है हम उसी को छोटा करते हैं फैक्टोरियल में, जैसे फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 4 है। तो आप फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, बड़े नंबर को छोटा करेंगे। तो r बड़ा है या r प्लस 1 बड़ा है, r बड़ा है, r प्लस 1 बड़ा है ना, ये तो फैक्टोरियल r ऐसी 74 माइनस r को ऐसी। एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ ध्यान से देखना। 3 की पावर 74 माइनस r है, यहाँ 3 की पावर कितनी है 73 माइनस r, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ 3 की पावर 74 माइनस आर ऊपर होगा, नीचे 3 की पावर क्या आएगा 73 माइनस आर। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का यानी 74 माइनस आर में से माइनस होगा, माइनस का 73 और प्लस का 73 प्लस आर, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, एक 3 बचेगा खाली, सही बात है। तो मैं एक ही 3 लिख रहा हूँ यहाँ, बाकी कैंसिल हो गया, सही है। अच्छा ये 2 की पावर आर है वहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो 2 की पावर r प्लस 1 है ऊपर, नीचे क्या आएगा 2 की पावर r, ऊपर जाएगा माइनस होगा, r प्लस 1 से माइनस कर दो r, r से r कैंसिल, 2 की पावर 1 आंसर 2। ठीक है यहां बचेगा इस r प्लस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 को लिखा ये और इसको लिख दिया 73 माइनस r और यहां पे लिखा है 2 की पावर r, इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल सॉल्यूशन 2 की पावर सॉरी 2 बचा खाली r नहीं 2 खाली, सही है इतना, कोई परेशानी दोबारा देख लो आराम से पूछो क्या आर प्लस वन के साथ इधर ये 2 की पावर आर नीचे जाएगा, ये नीचे क्यों आएगा, छोटा कर रहे ना, आर प्लस वन कम होगा तो एक कम होगा ना। अब देखो कुछ कैंसिल हुआ, हाँ कैंसिल हो गया, 74 माइनस आर बड़ा होता है 73 माइनस आर कौन बड़ा है 74, तो इसको एक छोटा कर दो 74 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 73 माइनस आर इंटू 3, कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बिल्कुल, और पहले से कौन बैठा है 2, कैंसिल हो गया गया, तो क्रॉस करेंगे 3R प्लस 3 इधर होगा और यहाँ पे क्या होगा 74 माइनस आर इंटू 2 158 माइनस 3R, यहाँ सॉल्व करके R निकल सकता है क्या, निकालो जरा R कितना 30 आ रहा, 30 कैसा है, गलत करा क्या, 158 माइनस 3R सॉरी 2R होगा ना, ये 2R होगा अब सही है। ठीक है जरा करो कितना बन रहा, 5R बराबर ऐसा बनेगा देखो, 5R बराबर 155, R बराबर 31, R 31, तो आंसर 31 और कौन होगा ऑप्शन में होगा 31 और 30, दिख गया ऑप्शन में 31 नहीं
कॉन्जिक्यूटिव देखना है ना, 30-31 आएगा ना, 1-31 आ गया ना। हाँ आ रहा हूँ, हाँ बोल बोल। हमने क्या मानी थी, आर प्लस वन और आर प्लस टू नहीं, एक कम नहीं होगा। जैसे आर मान, जैसे 32 माना था हमने, क्या मानता आर को, हमने आर और आर प्लस वन माना था, आर और आर प्लस वन माना था भाई। हाँ सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा यार, देखो इधर देख देख देख, कौन सा सॉल्यूशन करा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर रखा हो, बस दिख रहा कोफिशिएंट बराबर रखना, दिख रहा कोफिशिएंट रखा बराबर, वो दिख रहा कहाँ का रखा है, ये वाला स्टेप आ गया, बस सॉल्यूशन था। इसका फैक्टोरियल खोलना आता है, कॉम्बिनेशन, इधर इसका फैक्टोरियल सही खोला हुआ, कैंसिल, छोटे को बड़ा करना है, सिंपल सी बात है। 3 power 74 - r उधर गए उसके नीचे, सॉल्व करा, वो सही करा हुआ सॉल्यूशन, 3 की पावर वाला, ऐसे 2 की पावर वाला भी सॉल्यूशन सही करा हुआ, कंबाइन करा हुआ दोनों को, और कुछ नहीं। आगे देख, आगे सिंपल सा सॉल्यूशन है, r की वैल्यू निकाली बस सॉल्व करके, ठीक है। एक 31 और 30 कहाँ पे, यहाँ पे 148 होगा, कोई नहीं कोई नहीं, लो फिर देखो। अच्छा ठीक है, 3r + 3 148 - 2r, अब सही है। आर कितना होगा, आर के और वो आर प्लस वन कितना होगा, 30 है ना, और आर प्लस टू क्या होगा, 30 प्लस, अब सही है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नोट कर लेंगे, अभी टाइम दे देंगे, पूरी जो शीट है। और कौन सा डाउट है बताओ, और कौन सा करवाना है, 15 तक कोई करवाना है, अरे 15 तक कोई करवाना है, फिर मत बोलना, देख ले 15 तक, देख 15 क्वेश्चन तक देखो कौन सा करवाना है, 15 तक कौन सा करवाना है, जल्दी बोलिए 15। इसने बोला अगर उसने बोला क्वेश्चन में, अगर 2r + 3a टर्म एंड दूसरी टर्म है r - 1a टर्म हैव इक्वल कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल, एक्सपेंशन करना है 1 + x^15 का, इसके जब एक्सपेंशन करा ये दोनों टर्म इक्वल है, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल है तो r की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करना है 15, ठीक है। अभी करके दिखाते कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा रहे T5 निकाल रहे थे, T4 + 1 लिख रहे थे, ठीक है, वैसे ही अगर सोचो मैं निकाल रहा हूँ T2r + 3, तो इसको मैं लिखूंगा T2r + 2 + 1, चलेगा, एक कम लिखते हैं ना ऐसे करके तोड़ते, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 15c 2r + 2 क्या 1 की पावर क्या होगा, 15 - 2r + 2 इंटू एक्स की पावर कितना बनेगा, 2r + 2, बहुत बड़े, ठीक है। इसका कोफिशियंट और दूसरी टर्म कौन है, r - 1, अभी मैंने बोला था T5 लिख रहे थे, तो क्या लिख रहे थे T5 को T4 + 1, ऐसे ही इसको लिखूंगा r - 1 को, तो ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, r - 2 + 1, अब सही है, सही लिखा, ऐसे तो लिखेंगे, जैसे T5 को लिख रहे T4 + 1, तो ऐसे r - 1 को क्या लिखूंगा, r - 2 + 1, ठीक है, एक कम करा +1, जैसे T5 दिख रहा, T5 को क्या लिखा, T
फोर प्लस वन, ठीक है। हाँ तो वही तो होता है, बनेगा 15c r माइनस टू, वन की पावर 15 माइनस आर माइनस टू इंटू एक्स की पावर कितना बनेगा 2r माइनस टू, सॉरी r माइनस, ये सही है। अरे नोट करो साथ साथ, अब दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल रखना है और सॉल्व करना है बस, ठीक है। दोनों के कोफिशिएंट को, ये वाला इसका ये और इसका ये, फटाफट बराबर रखो जरा इसको इन दोनों को, ठीक है। वन का तो कोई लॉजिक होगा नहीं, खाली 15 वाला है जो काम का है, वो 15 वाला ही है। हाँ देखो बराबर रखेंगे 15c 2r प्लस टू बराबर रखना है 15c r माइनस टू के, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको साथ साथ। सॉल्व करना आता है? अच्छा एक चीज देखो, बच्चे तो क्या करेंगे फैक्टोरियल वगैरह लगाएंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, सिंपल तरीका बताता हूं। इधर सुनो, इधर देखो, इधर दोनों की पावर सेम है, दोनों इक्वल है। कॉम्बिनेशन कब इक्वल होते थे याद करो, या तो नीचे वाले सेम होते हैं या फिर दोनों को प्लस करके एन आता था, याद है कुछ ऐसा बताया था? अरे एक फॉर्मूला लिखाया था याद करो, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई तब होता है या तो एक्स वाई के बराबर हो या फिर एक्स प्लस वाई बराबर एन हो। तो दोनों को प्लस करो, यानी टू आर प्लस टू प्लस आर माइनस टू किसके बराबर 15 के, माइनस टू प्लस टू कैंसिल, 3r बराबर 15, r कितना आ गया 5 आ गया आंसर। r ही तो निकालना, शायद r ही निकालना है ना, ठीक है फटाफट नोट करिए। ठीक है 5, नहीं नहीं आर ही निकालना था, बस आर ही निकालना, क्वेश्चन में लिखा है पढ़ ले। अच्छी हो या जी, नहीं देखेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक कौन सा डाउट है, 18 डाउट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसा है, 18वां क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे, उसने बोला कौन कौन सी टर्म के बारे में बात कर रहा है, एक्सपेंशन किसका, पहले तो ये देख लो, एक्सपेंशन करना है हमें 1 प्लस एक्स की पावर 14, इसमें तीन टर्म के बारे में बात कर रहा है, एक तो आर एट टर्म और आर प्लस वन एट टर्म और आर प्लस टू एट टर्म, तीन टर्म के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये, जब आर एट टर्म निकालते हैं, ठीक है, जैसे टी फाइव निकाल रहे थे, टी फाइव कैसे निकाल रहे थे, टी फोर प्लस वन निकाल रहे थे या नहीं निकाल रहे थे, खुद ही अभी तुमने निकाला होगा, हाँ या ना। उसी तरीके से जब हम आर एट टर्म निकालेंगे, ठीक है ध्यान देना आर एट टर्म पर,
जी बिल्कुल, तो गर्मी कर दी फैक्ट्रियों में, करवाते हैं। ऐसे देखेंगे आर एट टर्म ऐसे निकालेंगे जैसे टी फाइव लिखते थे टी फोर प्लस वन, है ना। तो लिख के आ रहा हूं मतलब ये है कि मैंने पहले फाइव को एक कम करा फोर लिखा और फिर प्लस वन कर दिया, तो ऐसे आर को एक कम करो क्या बनेगा, तो ऐसे लिखूंगा टी आर बराबर टी आर माइनस वन और प्लस वन, सही है। इसका कोफिशियंट आएगा एन सी, एन की जगह कितना 14, तो 14 सी आर माइनस वन, और वन की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की पावर कितना बनेगा 14 सॉरी आर माइनस वन, बिल्कुल सही। ऐसे ही आर प्लस वन निकालना है, तो पहले एक कम करो क्या बनेगा, मतलब सही लिखा हुआ है कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, टी आर प्लस वन है, एक कम करेंगे आर और प्लस वन अपनी तरफ से, वही है कोई दिक्कत नहीं। तो 14 सी आर और एक्स की पावर आर, क्लियर, यही तो हुआ। जैसे हमने क्या करा, अरे सही लिखा, जैसे हमने आर एट टर्म निकालता तो पहले एक कम करा था आर माइनस वन प्लस वन, आर प्लस वन करेंगे तो पहले क्या एक कम करा आर और प्लस वन फिर अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आर प्लस टू एट टर्म लिख रहा, एक कम करो पहले क्या बनेगा, अरे एक कम करो आर प्लस वन और फिर प्लस वन अपनी तरफ से, ठीक है। तो बनेगा 14 सी आर प्लस वन और एक्स की पावर आर प्लस वन। उसने बोला है इनके जो कोफिशियंट है वो आपस में एपी बनाते, क्या बनाते हैं एपी। जिसको एपी नहीं पता इधर देखो ध्यान से, एपी की कंडीशन याद रखना बस, अगर तीन नंबर कभी भी एपी में होते ए बी सी तो टू बी बराबर ए प्लस सी होता है, ठीक है, टू बी बराबर ए प्लस सी। तो बीच वाले नंबर का डबल करो, लो भाई बीच वाला नंबर कौन है, टू इंटू 14 सी आर, डबल कर दिया बराबर, दोनों को प्लस कर दो 14 सी आर माइनस वन प्लस उधर क्या है 14 सी आर प्लस वन, नोट करो फटाफट, नोट तो करो पहले, अभी तो आर निकालना सॉल्व करके। एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तेरी एक्स की तो वैल्यू भी थी, तेरी एक्स की वैल्यू माइनस में तो नहीं थी, तेरा x does not exist हो रखा है, बहुत बढ़िया, x बराबर 10 90 तेरा not defined है। आर इतना भी क्या find कर रहा था नहीं इधर चलो भाई आर आएगा, आर बराबर 5 और 9, दो वैल्यू आ गई आर की, दो वैल्यू आ गई 5 और 9, सॉल्व कर लेना, ठीक है, ऑप्शन से ही कर लेना मैथ सीधा, फालतू में कैलकुलेशन करोगे टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। आर की वैल्यू ऑप्शन से मैच कर लेना, ज्यादा फायदे में रहोगे, अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, ठीक है। हाँ भाई 17 पहले नोट कर लिया, 17 का सेम यही वाला है, उसमें भी तो यही है, यही तो बोला एपी वाला ही तो है, सेम समांतर श्रेणी है ना, उसमें भी एपी, इसमें भी एपी था, सेम कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये इसी पे बेस एक क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आया है पेपर में, 21वां कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ लो एक बार 21वें को, फिर बताता हूं। अच्छा इधर देखो, चलो ये हटा दूं, ऐसा बोल रहा है, 21वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कैसे करना है।
ये आपका एक लॉजिक पे बेस है। अगर आप लोगों ने एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करा है और प्लस करा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ कैंसिल होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर करा और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितनी टर्म आती है? तीन। इसमें भी कितनी आती है? तीन। जब हम खोलेंगे, अगर एक्चुअल बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होता है। बचती कितनी टर्म है? एक दो तीन चार बची, यानी बची चार टर्म। तो मेरे कहने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम सेम चीजों को, मतलब एक जैसे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या है? सेम है। वेरिएबल ए और बी है, वेरिएबल ए और बी है। पावर क्या है दोनों की? सेम है, ठीक है। उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होता है, ठीक है। लॉजिक बस इतना सा है। इसी पे बेस हमारा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। कुछ ऐसा लिखा है, 21वां क्वेश्चन क्या है? x प्लस ए की पावर, x प्लस k की पावर कितना है? 100 प्लस x माइनस k की पावर कितना है? 100, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसमें कितनी टर्म बनेगी? 101। इसमें भी कितनी बनेगी? 101। कुछ कैंसिल होगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है? सेम है। x और k है वेरिएबल, सेम वेरिएबल है। और पावर क्या है? इक्वल। पावर इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा। कैंसिल कैसे पता लगेगा? इधर देखना, इधर देखेंगे। समझा, इधर देखो ध्यान से। जो पहली टर्म होगी वो होगी 100 से 0, x की पावर 100 माइनस 0 और k की पावर 0 प्लस। इसमें पहली टर्म थी, ऐसी दूसरी टर्म निकलेगी 100 से 1, x की पावर 100 माइनस 1 और k की पावर 1। ऐसे हम चलते रहेंगे लास्ट तक। लास्ट टर्म बनेगी 100 से 100, x की पावर, देखो भाई इधर 100 माइनस 0, 100 माइनस 1, ऐसे 100 माइनस 100 होगा और k की पावर कितना होगा? 0 नहीं, k की पावर होगा 100, है ना। ये बना खाली हमारा एक टर्म को, कौन सा वाले को? x प्लस k को सॉल्व करके, हाँ है ना। ये बना x प्लस k के लिए, ऊपर वाले एक चीज के लिए। ऐसे हम लोग जब देखेंगे कौन सा वाला, x माइनस k वाला, x माइनस k वाले को ध्यान से देखना आप जरा, इधर ध्यानपूर्वक। 100 से 0, x की पावर 100 माइनस 0 और सॉरी एक माइनस का भी आएगा ना, आएगा k की पावर 0, माइनस 1 की पावर कितना लिखूं? 0, माइनस 1 की पावर r होता है ना, क्योंकि इसीलिए ऐसी 100 सी 1, सॉरी पहले लिख लो पहले माइनस 1 की पावर 1, यही होगा। फिर 100 सी 1 और x की पावर 100 माइनस 1 और k की पावर 99, सॉरी k की पावर कितना? 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट आएगी कौन सी? 100 सी 100 माइनस 1 की पावर 100 और 100 सी 100 x की पावर कितना बनेगा? 100 माइनस 100 और k की पावर बनेगा 100, ये आएगा आपका आंसर। अच्छा ये बताओ, बस एक लॉजिक बता दो, बाकी तो चीज़ें देखेंगे। नेगेटिव कौन आ रहा है? नेगेटिव कौन से टर्म? ऑड नहीं, हाँ मतलब ये वाले ऑड आ रहे हैं। ऐसे कितने ऑड होंगे सोचो, कितने होंगे ऑड? तो कितने ऑड होंगे सोच समझ के बोलो भाई। 50 होंगे, कितने टर्म होंगे? कितने होंगे? 50। अच्छा इसमें कितने थे पहले? 101 इसमें थे, हाँ है ना, ठीक है। 100 उसमें थे। इसमें हमारे पास कितने कैंसिल? नेगेटिव वाले कितने, पॉजिटिव वाले कितने पहले बताओ, और नेगेटिव वाले कितने बताओ। इसमें भी 101 होंगे ना, 51 पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव कितने होंगे? 50। कोई दिक्कत किसी को? उस 101 में से 50 तो कैंसिल कर देगा ये, तो बचे कितने वहां पे? 51 वहां बचे। 101 में से 50 गए, कितने बचे? नहीं, 51 नेगेटिव आएंगे, 51 नेगेटिव आएंगे, 51 आएंगे नेगेटिव, 51 आएंगे नेगेटिव। कैलकुलेट कर, 1, 3, 5, 7, 101 तक जीरो वाला इवन में आएगा ना, 51 आएंगे ना, 1, 3, हाँ गिन ले, 1, 3, 5, लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा ना। गिन तो चलो ऑप्शन से लगा, 21 वाले ना,
देखो इधर क्या बन रहा है। अच्छा 50 है। अबे कुछ नहीं है, समझने वाले। नेगेटिव कितने होंगे ये देखो बस, बाकी तो हो जाएगा वो कितने पे होगा क्या। इतना सुन लो बस ध्यान से, जो नेगेटिव आएंगे वो इस वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, इस वाले पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। हमारे पास ऑड नंबर कितने होंगे बताओ, जीरो। जैसे ऑड नंबर क्या, इवन क्या होगा पहले, जीरो टू फोर सिक्स एट, लास्ट में कहाँ तक जाना है, सौ तक। इवन कौन कौन से होंगे, एक तीन पाँच सात, तो कितने होंगे, सौ, सौ माइनस जीरो ठीक है। एपी लगा के सॉल्व होगा और क्या तरीका होगा ठीक है। तो होगा हंड्रेड, अरे लगा लो कौन सा, कुछ बड़ी चीज़ है सीखी तो रहे ठीक। कितना आएगा ये, इक्यावन ठीक है। तो ये हो गया इक्यावन, और ये कितने होंगे, पचास, इक्यावन पचास ठीक है। कोई नहीं, एक सौ एक में से पचास गए, कितने बचे, एक सौ एक में से पचास हटा दो, कितने बचे, इक्यावन, और पहले से कितने बैठे हुए, इक्यावन, इक्यावन प्लस इक्यावन कितना होता है, ऑप्शन है एक सौ दो। हाँ तो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्यावन बचेगा लास्ट में ठीक है, ये ठीक है, इक्यावन है आंसर ठीक है, है ना, इक्यावन ऑप्शन है ना, 51 होगा आंसर ठीक है ठीक। कौन सा ये वाला, देख इधर, अरे बता रहे इधर देखो, इधर बता रहे, अरे इधर देखो, इधर इधर देखो, हमने x प्लस के था एक, इसमें कितने थे 100, x माइनस के था इसमें भी कितने थे 100, इसमें कितनी टर्म बनेंगी 101, इसमें भी कितनी टर्म बनी 101, इतना सही वाले। इसके 101 सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, लेकिन इसके 101 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ठीक है, 50 और 51 का ठीक है, 50 के इसके पॉजिटिव और 50 नेगेटिव है ठीक है, 50 क्या नेगेटिव, कोई नहीं, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इतना सही पहले। अगर 101 में से 50 हट जाए कितने बचेंगे बताओ, 51 बचेंगे, इतना सही है। 101 में से 50 हट गए, क्या बचे, 51 पॉजिटिव बच गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जो 51 जी होंगे ऐसे 51 ये वाले भी है, सेम ही है वो, जैसे मैं कहना चाहिए चाह रहा हूँ, यहाँ पे 100 सी 2 है ना, यहाँ पे भी क्या है 100 सी 2, तो वो दोनों सेम है ना एक जैसे, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म ऐड होती है कि नहीं होती, 100 सी 2 इनमें आएगा, ऐसा बनेगा देखो, 100 सी 2 एक्स स्क्वायर, 100 सी 2 एक्स स्क्वायर ऐसे बन रहा होगा, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म होती कि नहीं होती, ये हमने पढ़ा है बचपन में ठीक है। जैसे मैंने कहा ऐसे नंबर लिखे हुए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ऐसा बन रहा होगा, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फोर, देखने में कितनी टर्म लग रही है अभी, ये छह टर्म लग रही है, लग रही, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना बन जाएगा, टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फोर, टू एक्स फोर, तो कितनी टर्म हो गई अभी, ये तीन। तो वो कहना चाह रहे कि हमारे पास ये लाइक टर्म होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी, इसीलिए बन रहा है, देखो इक्यावन यहाँ बन रहे थे, इक्यावन यहाँ बन रहे थे, दोनों के दोनों लाइक हो गए, बनेंगे तो इक्यावन ही ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, इसलिए आंसर क्या है 51 टर्म्स ठीक है। क्या क्या, हाँ अगर अलग अलग होती दोनों की दोनों तो 102 होती फिर, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता x की पावर अलग अलग होती, एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा होता ठीक है सेम, तब हम 102 बोलते ठीक है, लाइक टर्म ना होती ठीक है, ये केस है। बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22वां देखो जरा, बाईसवा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, लिखिए बाईसवा का, ऐसा लिखना फॉर्मूला, हाँ बाईसवा का, बाईसवा क्या मतलब, कहने का ही मतलब है अगर कभी तीन नंबर हो a प्लस बी प्लस सी की पावर n, हम लोगों ने एक क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा है, अगर दो टर्म है जैसे x प्लस ए की पावर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, कितनी होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n प्लस वन, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर था टर्म कितनी आ रही थी तीन, a प्लस बी का होल क्यूब था टर्म कितनी आ रही थी चार। अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट किस में, अगर ये होगा कितना होगा a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तब नंबर ऑफ टर्म्स होती है हाफ n प्लस वन और n प्लस टू, नोट करो फटाफट, डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ n प्लस वन और n प्लस टू,
नंबर ऑफ टर्म्स का है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ ट्राइनोमियल, किसमें, ट्राइनोमियल में, ठीक है, ट्राइनोमियल है ना, तीन टर्म वाला है ना, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, कम से कम फॉर्मूले में तो होता जाएगा डायरेक्ट, अगर तीन टर्म वाला क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट कर लेना बस, टाइम क्वेश्चन सामने लिखा हो भाई, ट्वेंटी थ्री भी हो जाएगा फिर इसी तरीके से, 23 देखेंगे उसमें है a प्लस, जैसे एग्जांपल अगर ऐसा आता क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की पावर 10 है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, डिग्री निकल जाएगी इजीली, n की जगह 10 रख के आंसर बताइए कितना आएगा, 1/10 क्यों होगा, हाँ हाँ रख लिया, 66, ठीक है, चौबीसवा क्वेश्चन भी सेम है, चौबीसवा जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, चौबीसवा कराते हैं, अरे देखो हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से हो जाएगा, यार चौबीसवा क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैं ऐसा बता रहा हूँ, चौबीसवा क्वेश्चन ऐसा बोला उसने कंफ्यूज करने के लिए, देखो घुमा क्या क्या सकता है, अंदर वो कुछ भी करे, ये बताओ फॉर्मूला था हमारे पास, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n था, फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स का, हाफ n n सॉरी हाफ n प्लस वन n प्लस टू, ये बताओ x y z का कहीं यूज करा हमने यहाँ पे फॉर्मूले में, कहीं मैंने x y z लिखा यहाँ पे फॉर्मूले में, नहीं, तो एक चीज पता लगी कि अंदर चाहे जो मर्जी हो जाए, अंदर टू हो थ्री हो कुछ भी हो, उसका असर बाकी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, रोल किसका, n का रोल है ना, क्या x और y z किसी का रोल है, अगर ये ऐसा होता 2x माइनस 2y प्लस 7z तब क्या नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला चेंज आता, नहीं, फॉर्मूला तो क्या रहता सेम, क्यों, क्योंकि अंदर वालों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लॉजिक तो यही है ना, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24, जरा ध्यान से पढ़ना, 24 क्वेश्चन में यह बोला है कि एक्स माइनस वाई प्लस 2z की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, 45 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं ऐसा बोलूंगा हाफ n प्लस वन एन प्लस टू बराबर किसके होगा 45, क्या है सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करो कितना आया n के लिए, n के लिए कितनी आई 8, ठीक है, माइनस 11 पॉसिबल ही नहीं है, आंसर आएगी इसकी 8, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है, n के लिए आ गई 8, नोट करो फटाफट, ऑप्शन से पुट करना डायरेक्ट आंसर आएगा डायरेक्ट, ठीक है, नोट करो फटाफट, तो बहुत सारा 2 साल लग जाएंगे, अच्छा एक फॉर्म एक लिखो जरा, एक और क्वेश्चन हैंड डालेंगे, लिखो, अगर हमारे पास एक्सपेंशन है x प्लस a की पावर n का, और हमसे उसने बोला है हमें निकालनी है rth टर्म फ्रॉम दी rth भी मतलब rth, तुम कंफ्यूज हो गए, ऐसा मान लो हमें निकालना है pth टर्म फ्रॉम दी एंड, pth टर्म तो निकालनी है लेकिन इस बार कहां से, फ्रॉम दी एंड, एंड का मतलब पता है ना, पीछे से, जैसे हमारे पास एक्सपेंशन करते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला बोलना जरा, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, वो ऐसा बोले कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी एंड, तो कौन होगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी एंड, पीछे से पहली टर्म कौन सी होगी b³, अगर बोले सेकेंड टर्म फ्रॉम दी एंड तो 3ab², थर्ड टर्म फ्रॉम दी एंड बोले तो 3a² b, लॉजिक है नहीं है बात में, ठीक है, तो इसीलिए pth टर्म फ्रॉम दी एंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल, उसमें लिखते हैं ऐसा कि हियर
R बराबर, R निकालने का तरीका होता है n माइनस पी प्लस टू, ये नोट करो, ऐसे लिखना pth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का तरीका, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन के थ्रू बताइए, pth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का तरीका होता है, आप एक काम करेंगे सिंपल सा फॉर्मूला, n माइनस पी प्लस टू एट टर्म निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा n माइनस पी प्लस टू एट टर्म, ये फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन देखो कैसे करना है, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा क्लियरली, n माइनस पी प्लस टू एट टर्म, जरा देखो एक क्वेश्चन फटाफट, एक क्वेश्चन में करवाता हूं, इसमें होता है नहीं होता पता लग जाएगा, सबके सब अपनी बुक का 30 क्वेश्चन देखो, 30वां करो, करे स्टार्ट, उसने बोला रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 14 है 17 है 17 ऐसा बोला है, देखो जरा इधर ध्यान से, इसको फॉर्मूले को यहीं अप्लाई करने के लिए रख के रखता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, देखो भाई रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर कितना है 17, हमें कौन सी टर्म निकालनी है क्वेश्चन में 14 टर्म फ्रॉम द एंड, 14th टर्म तो निकालनी लेकिन कहां से, इस बार एंड से, देखो इधर देखना ध्यान से अभी समझ में आएगा, 14 टर्म जिसको नहीं आ रहा इधर देख लो ध्यान से आ जाएगा, 14 टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का तरीका होता है, एन की जगह 17 माइनस 14 प्लस 2, सही रखा है फॉर्मूले में इतनी टर्म, अच्छा जरा सॉल्व करो अंदर कितना बनेगा, 17 माइनस 14 कितना होता है 3, 3 प्लस 2 5, फिफ्थ टर्म निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी है मतलब फिफ्थ टर्म, ये समझ में आया लॉजिक, बस अब कैसे भी करके T5 निकाल दो, बस T5 को क्या ब्रेक करोगे, T4 प्लस 1 निकालो फॉर्मूला, 17 आता है ना, ये तो करना आता है, 17 सी कितना 4, फिर रूट एक्स की पावर कितना 17 माइनस 4 यानी 13, रूट 5 मतलब 4 और माइनस है तो आगे माइनस 1 की पावर 4 है ना, उसका तो कोई लॉजिक नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 तुम आखिरी में लिखो स्टार्टिंग में लिखो कहीं भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, यहीं लिख रहा हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 17 सी 4 सॉल्व कर लोगे, आता सॉल्व करना, बाकी आप लोग सॉल्व कम्प्लीटली कर सकते हो, ठीक है ठीक है, बस यही था कि कौन सी भी टर्म निकालनी है वो फॉर्मूला देख लो, ये वाला ये देख लो बस 17 माइनस 14 प्लस 2, ठीक है हो जाएगा भी, ये तो हो ही जाना चाहिए, ठीक एक क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटा दो, देखो 31st क्वेश्चन है आपकी बुक का, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन करना है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यही दिख रहा है एक्सपेंशन पावर है कितनी n है, ये ना n है कितनी है 4 है n है, ठीक है हमें इसका एक्सपेंशन करना है और ये पता करना है कि इसमें एक्स की पावर 4 कहाँ कहाँ बनेगा, क्या क्या होंगे इसके कोफिशिएंट जिसमें एक्स की पावर क्या बनेगा 4, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे, 1 प्लस एक्स एस सी ऐसा ब्रैकेट में प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, सही है
और पावर n, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे वन होता है, दोनों में क्या कॉमन है खुद बताओ, वन प्लस एक्स, और क्या बचेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। सेपरेट करूंगा वन प्लस एक्स की होल पावर n को अलग एक्सपेंड करिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग एक्सपेंड करिए, सही है ये चीज, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक लॉजिक, ठीक है। अब देखो एक बार इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा सबके साथ, फटाफट बताओ क्या होगा फॉर्मूला में, क्या कहता है फॉर्मूला, एन सी जीरो वन की पावर n फिर x की पावर जीरो प्लस एन सी टू एन सी वन कितना, वन की पावर n माइनस वन और x की पावर वन, फिर एन सी टू वन की पावर n माइनस टू x की पावर टू, एन सी थ्री नहीं नहीं वन की पावर n माइनस थ्री, लॉजिक बताऊंगा ना बाद में क्या था, x क्यूब प्लस एन सी फोर वन की पावर n माइनस फोर और x की पावर फोर प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। मैंने इतना क्यों लिखा, क्योंकि x की पावर चार चाहिए, कितनी चाहिए चार, लॉजिक ये। ऐसे ही अगर मैं बोलूं अगली टर्म कौन सी बच रही है, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, चलो भाई बनेगा क्या, एन सी जीरो वन की पावर क्या होगा n माइनस जीरो और एक्स स्क्वायर की पावर n, सही है, सॉरी एक सेकेंड, एक्स की पावर क्या बनेगा जीरो, बिल्कुल, प्लस एन सी वन, वन की पावर कुछ भी हो मत लिखो बार बार, ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर कितना लिखो बताओ वन, प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर की पावर टू है ना, फिर एन सी थ्री होगा एक्स स्क्वायर की पावर थ्री, इतना सही है, ऐसे चलता रहेगा आगे आगे ऐसे ही चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बस समझने वाली बात ये, एक्स की पावर चार किन किन को मल्टीप्लाई करके बन सकता है, खुद देखो जरा, एक बनेगा एक्स की पावर जीरो मतलब वन है इसको, और एक्स की पावर चार का यहाँ है ना, कहाँ गया ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन सकता है एक तो, अरे ये दोनों हो क्या रहे हैं देखो इधर, ये दोनों हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब अल्टीमेटली इस चीजों को मल्टीप्लाई करना, तो एक्स की पावर चार कहाँ का बनेगा, एक यहाँ बनेगा पहला केस दिख रहा, दूसरा केस यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है वन, मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से, क्या कहीं इधर कहीं एक्स क्यूब दिख रहा नहीं, तो ये तो नहीं बनाएगा एक्स की पावर चार मतलब, ठीक है, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे देखो कितनी है स्क्वायर, दो पावर है, दो पावर वाला दो पावर से मल्टीप्लाई होगा कहाँ है, ये रहा दूसरा केस दिख गया, चार पावर यहाँ बन सकते और कहाँ बन सकते है चार पावर बताओ, एक चार पावर इसकी और इसके बीच में बन सकती है, इसकी पावर चार है इसकी पावर कुछ नहीं है, तीसरा केस, तीन केस दिख गए, इन तीन केस को प्लस करना है बस, इन तीन केस को ही तो सॉल्व करना है, अब तीन केस कौन कौन से देखो, पहला एन सी जीरो मल्टीप्लाई होगा जब किससे, एन सी टू से, सही है, प्लस अगला केस कौन सा है, एन सी टू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एन सी टू मल्टीप्लाई किससे हुआ था नीचे एन सी वन से है ना, प्लस लास्ट केस एन सी फोर किससे मल्टीप्लाई हुआ, एन सी जीरो, ये सही है, अच्छा एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, हम सबको पता है एन सी जीरो कितना होता है वन, बचेगा क्या एन सी टू, अच्छा एन सी टू की वैल्यू नहीं पता, एन सी टू कितना होता है एन सी वन, एन होता है ना एन एन, प्लस इसका कितना आएगा एन सी फोर की वैल्यू, एन सी फोर का ऐसी रखो एन सी जीरो होता है वन, ऑप्शन है ऐसा, एन सी टू और एन सी फोर आ रहा, एन सी टू आ रहा एन सी फोर आ रहा, और क्या चाहिए, एन सी वन चाहिए ना, एन सी वन ऐसी रहने दो, उसने एन नहीं लिखा ना, अरे देखो इसको एन सी वन ही रहने दो, आंसर तो आ गया ना, मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मिल गया ना, ठीक है ऐसा होगा, ये है इस क्वेश्चन में तगड़ा लॉजिक, क्या नहीं आया समझ, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें लॉजिक था, करवाते हैं दोबारा करवाते हैं, कोई नहीं टेंशन मत ले, आ जाएगा, देखो भाई एक और बार देखते कैसे करना है, इधर देख, अरे इधर देखो, ये बताओ एक लॉजिक बताओ इसमें पहले, ये सही करा हुआ, ये वाला केस किसी को दिक्कत कर रहा है, ये जो लिखा हुआ साइड में, ये समझ में आ गया पक्का, लास्ट में एक चीज पता लग गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, अब आगे बढ़ते हैं, ये बाइनरी से, ये बाइनोमियल थ्योरम यहां से ही लगी हुई, एक्सपेरिमेंट सही करा हुआ है, अब इसके बाद काम स्टार्ट होता है,
इसके बाद ये बोला x की पावर चार बनाना है, क्वेश्चन में बोला था किसका कोफिशिएंट बनाना है x की पावर चार का, तो x की पावर चार चार कैसे बन सकता है? एक बार तो तब बन सकता है जब x मल्टीप्लाई होगा हमारा किससे, x की पावर चार से, तब होगा। पहला केस यहाँ पे लिखा, केस वन लिखा है। दूसरा केस जब दो पावर से मल्टीप्लाई होगी तब चार बन सकता है। पावर चार बनानी है, सोचना पावर क्या बनानी है, चार। तुम खुद सोचो पावर चार कहाँ का बन सकता है, जब एक मल्टीप्लाई होता है तीन से तभी भी तो हो सकता है, लेकिन तीन है ही नहीं, मेरी गलती थोड़ी है, तीन होता तो मैं कर देता मल्टीप्लाई, तीन है नहीं। ठीक है, लास्ट केस बचा मेरा जब मैं चार और किसको कर चार और जीरो वाले को। क्लियर, ये केस समझ में आ गए? इन केसेस को यूज करके इनको प्लस कर दिया बस, और क्या करा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एनसी जीरो मल्टीप्लाई होगा एनसी टू से, पहला केस एनसी टू मल्टीप्लाई होगा एनसी वन से, दूसरा केस एनसी फोर मल्टीप्लाई होगा एनसी जीरो से, तीसरा केस। सॉल्व करा, आंसर सामने आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखना, करना पड़ेगा ना एक्सप्लेन, क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसके। आर पढ़ ले क्या है क्वेश्चन, आर क्यों जीरो होगा? हाँ तो पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं ना, पहले जीरो से फिर वन टू थ्री धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक्सपेंशन जब करता है, एक्सपेंड जब खुलता है ना, वो जब खुलता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले लिखेगी एन सी जीरो मतलब टू सी जीरो, फिर जो आएगी वैल्यू, फिर टू सी वन, फिर टू सी टू तक जाना, जितनी पावर होती है वहां तक जाना पड़ता है। एन प्लस वन पावर नहीं थी, पावर तो एन ही थी, पावर तो एन थी ना, ठीक है, तो इसलिए एन सी जीरो फिर चलता गया। ऐसे पूछो ना फिर। अरे एक काम करना, तुम्हारी बुक में एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है, हेडिंग है रिजल्ट ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो जो रिजल्ट होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट के वो लिख लेना, ठीक है। पेज नंबर 239 पे फॉर्मूले हैं, वो लिख लेना बस, पेज नंबर 239 खोलो, 239 पेज नंबर 239 पे फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो रिजल्ट्स ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट करके हेडिंग है, ठीक है, वो दिख रहे हैं। ये सारे रिजल्ट आगे काम आएंगे कहीं ना कहीं सीरीज में, ठीक है, जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे ना उसमें ये चीजें काम आने वाली, ये लिख लेना। छू पड़ रहा था कुछ के बाद, ठीक है, पता नहीं कौन सा, चलो फिर बाय बाय।